तो गाइज, आज मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर लेके आ गया हूँ, और वो चैप्टर का नाम है द कबूलीवाला, विच इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता होगा, ठीक है? सभी ने नाम तो सुना ही होगा। ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने नेशनल एंथम, ठीक है, जनगण मन को लिखा हुआ है, और ये बहुत ही फेमस इंडियन, ठीक है, इंडिया के बहुत ही फेमस पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। इनको 1913 में 1913 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था एक लिटरेचर के लिए, जिसका जो कि था गीतांजलि, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे, इनको कौन नहीं जानता है, ठीक है। इनके बारे में मैं जितना ही बताऊं उतना ही कम है। तो आज हम इन्हीं के एक शॉर्ट स्टोरी द कबूलीवाला के बारे में देखेंगे, और वीडियो को इस डीप में पढ़ने से पहले इस चैप्टर को चलो मैं तुम्हें समरी से इंट्रोड्यूस करा दूँ। इस चैप्टर में ऑथर जो है वो एक पेरेंट्स होते हैं, और मिनी के पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। एक लड़की होती है उनकी 5 साल की, जिनका के नाम होता है मिनी, और ये जो मिनी है एक कबूली वाला से दोस्ती कर बैठती है, ठीक है। एक काफ़ी यंग, यानी कि ओल्ड मैन होता है कबूली वाला, उनसे मिनी का दोस्ती हो जाता है, और वही पूरा जर्नी हमें इस चैप्टर में दिखाया जाता है, ठीक है। उसी को काफ़ी विस्तार में, डिटेल में हम पढ़ेंगे कि उनकी दोस्ती में क्या क्या होता है और आगे क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। चलो तो इस वीडियो को चालू करते हैं। चलो गाइस, तो अभी हम इस स्टोरी को डीप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो ऑथर है रविंद्रनाथ टैगोर, वो इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी एक ऑथर का ही रोल प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ऑथर है वो बोलते हैं कि उनकी जो 5 साल की बेटी होती है, जिनका कि नाम मिनी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बातचीत करने वाली होती है। मतलब उनको चैटरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उनका बस चले तो वो दिन भर बात करती रहे। और यहाँ पे ऑथर ऐसे ही बताते हैं कि जो उनकी छोटी सी बेटी है, डॉटर, ठीक है, जो उनकी छोटी सी बेटी मिनी है, वो अपना दिन भर, वो अपना 1 मिनट भी ऐसे नहीं वेस्ट करती है कि वो जिसके अंदर बात ना करती हो, ठीक है। वो हरदम बात ही करती रहती है, और इसे लेके उसकी मम्मी को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उसकी मम्मी सोचती है, उसकी मम्मी उसे कई काफ़ी परेशान हो चुकी है, और सोचती है कि मैं इसकी मस्तियों को कैसे रोक सकूं। बट यहाँ पे जो ऑदर है वो सोचते हैं कि यार ये तो एक ये क्या ना, ये मिनी को रोकना, मिनी को बातों बात करने से रोकना, ये क्वाइट अननेचुरल है, ये ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए जो ऑदर है वो खुद ब खुद इसे एक्सेप्ट कर लिया है, और वो भी मिनी से बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। अभी क्या होता है, एक सुबह जो ऑथर होते हैं अपने 17th चैप्टर लिख रहे होते हैं, आप इस स्टोरी के अंदर जो ऑथर होते हैं अपना 17th चैप्टर वो लिख रहे होते हैं अपने घर में बैठ के। उस समय क्या होता है, मिनी उनके पास आती है और उनसे बातचीत करना चालू करती है, और उनसे क्वेश्चन पूछती है कि पापा ये जो रामदयाल है ना, हमारे घर का जो डोर कीपर है, वो क्रो को क्रो बुलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो CROW KROW, बट ये रियल स्टोरी जो है ये एक वेस्ट बंगाल की स्टोरी है, जहाँ पे काक है, काक जिसको कि हम लोग यहाँ पे क्रो, जिसको बंगाली में काक बोला जाता है और हिंदी में कौआ। तो रामदयाल एक हिंदी का एक हिंदी गाय होता है, और वो क्रो को, और जो वो है वो काक को कौआ बुलाता है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे मिनी उसे पूछती है, यार ये रामदयाल को कुछ भी नहीं आता है ना पापा, क्रो को वो क्रो बुलाता है। फिर जैसे ही उसके पापा इसके आंसर देने वाले होते हैं, वो दूसरे क्वेश्चन पे तुरंत जंप करती है और पूछती है कि पापा जो भोला एक मेरा दोस्त है ना, वो मुझसे ऐसा बोलता है कि बादल में एक एलिफेंट है जो कि अपने सूंड में से पानी निकालता है, और दैट इज़ वाई हम बारिश यहाँ पर होती है। फिर उसके पापा चलो पहला क्वेश्चन तो सोच रहे थे आंसर, फिर यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का जैसे ही आंसर सोचते हैं, मिनी तुरंत एक तीसरा क्वेश्चन लेके आती है और पूछती है कि पापा तुम्हारे और मम्मी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन पूछती है ना, उसके पापा सोचते हैं यार एक बात ही, मतलब उसको परेशान कर देती है उनके पापा को, ठीक है, एक आंसर दिया नहीं इतने में दूसरा क्वेश्चन तैयार है। तो इसीलिए उनके पापा उनको बोलते हैं कि जाओ बाहर और जाके भोला के साथ खेलो, मैं अभी हाल में बिजी हूँ, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। फिर क्या होता है, मिनी वहाँ से जाती है, और जो उनका विंडो है वो उनके विंडो पर से उनका जो रोड है ना, सामने वाला जो रोड है वो पूरा दिखता है। तो मिनी देखती है कोई नहीं होता है, तो वो वहाँ पे अपने विंडो के पास बैठ के खेलने लगती है। थोड़ी देर में वहाँ पे एक आता है एक कबूली वाला, कबूली वाला से भी चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें। ये कबूली वाला एक इंसान है जो कि घर घर पे जाके काजू और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सेल करता है, ठीक है। तो भी वहाँ से एक कबूली वाला आता है, उस रोड पर से जा रहा होता है, और मिनी जैसे उसे देखती है, उसको देख के तेज तेज चिल्लाने लगती है, कबूली वाला करके। अभी क्या होता है, कबूली वाला मिनी को देखता है, और मिनी जैसे ही देखती है कि कबूली वाला इधर आ रहा है उसके घर साइड, वो तुरंत दौड़ के अपने मम्मी के पास चली जाती है। अब यहाँ पे जो ऑथर होते हैं वो अपने 17th चैप्टर के बीच में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एक बड़े ही एक इंटरेस्टिंग मोड पे होते हैं, जहाँ पे उनके चैप्टर में एक प्रताप प्रताप सिंह करके एक हीरो होता है,
जो कि कंचनलता को तीन स्टोरी का एक कासल होता है, ठीक है, तीन स्टोरी का एक कासल होता है, वहां से लेके नीचे उतर रहा होता है, अपने गोदी में अपने आर्म्स में लेके उसे नीचे उतर रहा होता है। वहां पे उसकी स्टोरी अटकी होती है। इतने में सोचता है, अरे यार हट, अभी ये कबूली वाला आ रहा है और मुझे डिस्टर्ब करेगा और मेरा चैप्टर भी नहीं हो पाएगा। अब कबूली वाला आ जाता है वहाँ पे उसके घर के पास, और जैसे ही वहाँ पे आता है मिनी तो टोटली गायब हो जाती है डर के मारे, क्योंकि मिनी को एक ऐसा थिंकिंग होता है कि जो कबूली वाला है उसके बैग में ना दो तीन बच्चों को वो रखता है, मतलब जो बच्चे ज़्यादा मस्ती वगैरह करते हैं, कबूली वाला क्या करता है उसको लेके अपने बैग में डाल लेता है। एक कबूली वाला था, वो कबूली वाला टर्बन वगैरह पहना होता है, उसके फटे कपड़े होते हैं, कबूली वाला के पीछे एक बैग भी टांगा होता है जिसके अंदर वो ग्रेप्स वगैरह बेचता है। बट मिनी को ऐसा एक मिसकंसेप्शन था कि भाई ये यहाँ पे दो तीन बच्चे को लेके घूमता है, ठीक है, जो मस्ती वगैरह करते हैं, इसलिए मिनी जाके छुप जाती है। अब उसके घर में आ ही गया था कबूली वाला, उसके दरवाजे के पास आ गया था, थोड़ा बहुत बात किया ऑथर से, ठीक है, कब मैं यानी कि मिनी के पापा से थोड़ा बहुत बात किया। उसके बाद मिनी के पापा ने सोचा कि यार अब कबूली वाला यहाँ पे आ ही चुका है तो क्यों ना मैं इससे थोड़ा बहुत कुछ ले लूँ। तो ठीक है, वहाँ पे जो कबूली वाला से बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं उनसे, क्योंकि अब घर के पास आया होता है। तो कबूली वाला अब वहाँ से जा रहा होता है, बट जैसे ही वहाँ से कबूली वाला जा रहा होता है उसे तुरंत याद आता है और वो पीछे मुड़ के ऑधर से फिर से क्वेश्चन करता है कि वो मिनी कहाँ है, तुम्हारी छोटी बच्ची कहाँ है। तो ऑधर बोलते हैं कि ऑधर सोचते हैं कि यार क्यों ना ये सही मौका है, मैं मिनी को बुलाऊँ, और जो कबूली वाला को लेके मिनी का डर है उसे भी शायद हट जाएगा। तो वो मिनी को बुलाते हैं, मिनी उनके पास आती ज़रूर है बट फिर भी कबूली वाला से डरते डरते वो अपने पापा के पास ही खड़ी होती है। कबूली वाला कुछ ऑफर करते हैं उन्हें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मिनी ले लेती है उसे। और ये उनका होता है पहला मीटिंग, किसका, कबूली वाला का और मिनी का ये पहला मीटिंग होता है। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद ऑधर जो होते हैं वो जा रहे होते हैं अपने घर के दरवाजे से निकल के बाहर जा रहे होते हैं, और वो क्या देखते हैं कि जो मिनी है वो कबूली वाला के साथ बड़े ही चाव से बात कर रही होती है, दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये चीज़ ऑधर देखते हैं वो बड़े शॉक हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार कुछ दिन पहले ही मिनी ये कबूली वाला से इतना डर रही थी और ये कैसे हो सकता है कि दोनों इतने खुशी खुशी बात कर रहे हैं, मतलब ठीक है। तो वहाँ पर देखते हैं वो बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ऑधर जाते हैं कबूली वाला के पास और देखते हैं कि मिनी को कबूली वाला ने कुछ ड्राई ग्रेप्स वगैरह और रेजिंस, रेजिंस यानी ड्राई ग्रेप्स होता है, और आलमंड वगैरह उनको दिया होता है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिया होता है मिनी को, और मिनी अपने उसे दुपट्टा में बांधी होती है। तो वहाँ पे ऑधर जो क्वेश्चन करते हैं कि यार ये फालतू को तुमने मिनी को क्यों दिया, मतलब तुमको नहीं देना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे बट ऑधर बोलते हैं नहीं, बट यहाँ पे कबूली वाला बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, छोटी सी बच्ची है, ठीक है। तो ऑदर बोलते हैं नहीं, तुम्हें इसका पैसा लेना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं चलेगा, तुम पैसे ले लो। तो ऑदर क्या करते हैं, भी 8 आनास, ठीक है, जैसे कि 8 रुपए मान लो, 8 आनास निकाल के कबूली वाला को देते हैं, और कबूली वाला उसे बिना कोई नाटक नखरा के उसको ले लेता है। फिर बाद में ऑदर वहाँ से चले जाते हैं, और ये जो 8 आनास होता है वो कबूली वाला क्या करता है, मिनी को दे देता है वापस से, बोलता है कि ये इसे तुम रखो और मिनी ले लेते हैं। फिर जैसे ही मिनी अपने घर में जाते हैं उनकी मम्मी देखती हैं कि मिनी के पास कुछ 8 कॉइन्स है, ठीक है, वो ब्राइट कॉइन्स जैसी देखती हैं मिनी के पास, मिनी के हाथों में, उनकी मम्मी बड़ी शॉक हो जाती हैं और मिनी से पूछती हैं कि ये कॉइन्स तुम्हें कहाँ से मिली, ये 8 आनास, और मिनी वहाँ पे क्या बोलती हैं कि मुझे ये कबूली वाला ने दिया। अब जैसे ही ये बात को सुनती है मिनी की मम्मी कि ये कबूली वाला ने दिया मिनी को, वो बड़े ही उनका फेस एकदम डिसअपॉइंटेड हो जाता है, वो बड़े ही दुख हो जाती है, बोलती कि यार तुम ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऑलरेडी एक एक गरीब इंसान से तुमने उसका पैसा ले लिया, ठीक है, तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। फिर तुरंत ही जैसे ये सब यहाँ पे ड्रामा हो रहा होता है तुरंत ही ऑधर वहाँ पे रूम में आ जाते हैं और ऑधर एक्सप्लेन करते हैं उनकी वाइफ को कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ये जो है मैंने दिया था कबूली वाले को 8 आनास और वापस से शायद इनको दे दिया होगा। फिर यहाँ पे ऐसे थोड़े बहुत ऑधर समझ, फिर इस तरह से उनकी एक या दो नहीं कई सारे ऐसे उनके मीटिंग्स होने लगे जहाँ पे कबूली वाला और मिनी काफ़ी एक दूसरे से बात करके कुछ जोक्स वगैरह क्वाइंट यानी कि सिली जोक्स वगैरह क्रैक करके एक हंसते थे, वो लोग काफ़ी एंजॉय करते थे। और इससे ऑधर को लगा कि चलो, ऑधर ने देखा, ऑधर ने सोचा कि यार मिनी को उसके लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा इंसान मिला जो कि मिनी को एकदम शांति से, ठीक है, पेशेंस लिसनर, एकदम शांति से जो मिनी बोले उसे सुन सके, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से बात करते थे। फिर यहाँ पे क्या होता है कि वो जोक्स वगैरह भी शेयर करते हैं, काफ़ी हंसते हैं। अब यहाँ पे ऑदर में थोड़ा बहुत बताते हैं कि वो लोग क्या बातचीत करते हैं,
तो जो मिनी है वो हालांकि छोटी सी बच्ची है, तो वो उस उनको मिनी को हरदम से एक डाउट था कि बैग में क्या रखते हैं। तो मिनी वहाँ पे एक बार कबूलीवाला से क्वेश्चन करती है कि तुमने ये अपने बैग में क्या लिया हुआ है। और जो कबूलीवाला होते हैं वो एक अलग ही आवाज़ में, ठीक है, एक माउंटेनियर के आवाज़ में नेसल एक्सेंट के साथ अपना नाक दबा के बोलते हैं कि मैंने मेरे बैग में एलिफेंट लिया है। मतलब एक ऐसे ही वो आवाज़ निकाल के बोलते हैं कि मेरे बैग में एलिफेंट है। ये रिप्लाई तुरंत सुनते ही बाद मिनी बड़े दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। ये रिप्लाई जैसे ही देता है कबूलीवाला, फिर बाद में कबूलीवाला सोचता है कि मैं क्यों पीछे हटूँ। अभी कबूलीवाले का चांस आता है, कबूलीवाला भी क्वेश्चन पूछता है कि तुम कब जाने वाली हो अपने फादर इन लॉ के घर पे। अब जैसे ही ये क्वेश्चन कबूलीवाला मिनी को पूछता है, मिनी को बड़ा शौक हो जाता है। ऐसा ऑधर बोलते हैं कि मिनी को तो ज़रूर शौक हुआ होगा इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ऑधर जो है वो एक यहाँ पे वो लोग नॉर्मल फैमिली से होते हैं, तो मिनी के साथ ये सब शेयर नहीं किया हुआ है फादर इन लॉ यहाँ पे। हालांकि ऑधर में बताते हैं कि बंगाल के अंदर जितनी भी डॉटर्स होती हैं, जितनी भी मेडेंस होती हैं, उनको क्या पहले से ही पता होता है कि फादर इन लॉ क्या है, ससुराल क्या है। बट यहाँ पे ऑधर और ऑधर की वाइफ ने मिनी के साथ कभी ये शेयर नहीं किया होता ये सब चीज़। तो ऑधर बोलते हैं कि जरूर इस क्वेश्चन पे मिनी एकदम शॉक खा गई होगी कि ये क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, कबूलीवाला मुझसे। मिनी उस क्वेश्चन पे कुछ जवाब भी नहीं देती है, और मिनी वापस से क्वेश्चन पूछती है, एक रिप्लाई बैक करती है उनको कबूलीवाला को, पूछती है क्या तुम वहाँ पे जाओगे, क्या तुम अपने फादर इन लॉ के घर पे जाओगे। अभी एक ऑर्डर अभी कबूलीवाला लोगों के लिए तो ये एक बोलते हैं एक जोक टाइप हो जाता है, यूफिज्म हो जाता है, ठीक है, डबल मीनिंग निकल आता है फादर इन लॉ हाउस। दैट मीन्स कि कबूलीवाला लोग के लिए क्या ये जेल का हो जाता है नॉर्मली, जिसके कि जहाँ पे तुम्हारा पूरा ख्याल रखा जाता है, जहाँ पे तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है, बट वहाँ पे तुम्हारा कोई एक्सपेंस नहीं रहता है, कोई वैल्यू नहीं रहता है। कबूलीवाला के केस में ये हो जाता है, ठीक है, फादर इन लॉ मतलब कि जेल, जेल हो जाता है कबूलीवाला के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन पूछती है मिनी, तो यहाँ पे कबूलीवाला जवाब देते हैं कि ज़रूर मैं अपने फादर इन लॉ को एक पंच मारूंगा। वो मुट्ठी बंद करके ऐसे एक्शन करते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने फादर इन लॉ को थ्रैश करूंगा, ठीक है, एक पंच मारूंगा। और जैसे ही ये रिप्लाई देते हैं कबूलीवाला, दोनों बहुत तेज़ी तेज़ी से हंसने लगते हैं। कई दिन हो गए और ये इसी तरह से उन दोनों का बातचीत चलता रहा, जिसको कि देख के मिनी की जो मॉम है उनको थोड़ा बहुत सस्पेक्ट होने लगा, उनको थोड़ा बहुत चिंता होने लगा, वरीड हो गई वो कि यार मतलब ये क्या चल रहा है। एक एकदम ठीक है, एक मैन, एक बड़ा आदमी और एक यंग लड़की, ये मतलब क्या हो रहा है, दोनों बात करते हैं, ये बड़ा इनको बड़ा ही अजीब अजीब दिखता था, स्ट्रेंज लगता था। ये चीज़ को लेके वो परेशान थी। तो वो एक दिन बोला, ऑधर को बोलती हैं, अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि जरा उन पे तुम अपना ध्यान दिया करो, उन पे जब मिनी बात करती हैं कबूली वाले से थोड़ा तुम ध्यान दिया करो, क्योंकि मुझे बड़ा ये ऑकवर्ड लगता है इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन है, मुझे बड़ा ये ऑकवर्ड लगता है कि एक बड़ा आदमी किसी छोटी लड़की के साथ इस तरह से रोज रोज बातचीत करे। ठीक, मिनी का और कबूली वाला का इतना दोस्ती बन जाता है कि यहाँ पे देखो बताया गया है कि हर साल जनवरी के अंदर हर साल जो कबूली वाला, अभी यहाँ पे देखो कबूली वाला का नाम बता दिया गया है यहाँ पे, क्या है, रहमान, ठीक है, तो इस नाम को याद रखना तुम, क्या पता मे भी एग्जाम में आ जाए। तो कबूली वाला का नाम रहता है रहमान, और हर साल ये जो रहमान रहता है, ये कबूली वाला जो रहता है, जनवरी में अपने घर पे जाता है, और जनवरी के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाता है, लोगों से जाके जो उधारी पैसे होते हैं वो सबसे लेता है और पैसे कलेक्ट करके वो जाता है अपने गांव। बट फिर भी इस साल क्या हुआ, वो सबसे डेब्ट्स वगैरह तो लेता ही है, अपने उधार वगैरह लेता है, बट फिर भी वो इतना टाइम निकालता है कि वो रोज़ मिनी को आके मिल लेता था। अगर वो सुबह नहीं मिल पाता था तो वो शाम को आके एडजस्ट करके मिल लेता था मिनी से, यानी कि रोज़ वो मिनी से मिलता था भले ही उसे गाँव क्यों ना जाना था, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को लेके मिनी के मॉम को और भी टेंशन होता है, उनको वो थोड़े से फियरफुल हो जाती है, और अपने हस्बैंड को बोलती है कि भैया यार ज़रा ध्यान रखना, ये मतलब केयरफुल वॉच रखना इनके ऊपर, ठीक है। एक सुबह अभी क्या होता है, यहाँ पे एक इंस्टिंक्ट बताते हैं ऑथर की, एक सुबह क्या होता है, 8 बज रहे थे और वो बैठे थे अपने घर के अंदर बैठे थे, और वहाँ पे क्या देखते हैं कि अचानक में वो जो बैठे होते हैं तो रोड पर से बड़ी तेज़ी तेज़ी से आवाज़ आने लगती है। अब वो दरवाज़ा खोल के घर के बाहर जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि जो रहमान होता है कबूली वाला, यहाँ पे देखो कबूली वाला का नाम रहमान है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रहमान होता है कबूली वाला, उसको वो पुलिस, दो पुलिस वाले ने उसे घेरा होता है, उसके हाथ में हथकड़ी पहनाई होती है, और वहाँ पे बहुत सारे भीड़ मची हुई थी, ठीक है, इंक्विजिटिव इंक्विजिटिव बॉयज़ होते हैं सब वहाँ पे खड़े होते हैं, भीड़ मची होती है। और वहाँ पे जाते हैं, उधर जाते हैं और पूछते हैं कि भैया यहाँ पे क्या हुआ, तो उनको आधे लोग ये बताते हैं, आधे लोग वो बताते हैं, और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जो कबूली वाला होते हैं
किसी को उनको पैसा देना था, कोई एक उनका कस्टमर था जिसको कि रामपुरी सॉल लिया था कबूली वाला से, और उनको पैसा देना था इसका। बट यहाँ पे वो जो इंसान था वो बोल रहा था कि भाई मैंने तो तुमसे कुछ खरीदा ही नहीं था, तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ। और इसी गुस्से में शायद कबूली वाला ने उसे मार दिया था, जिसकी वजह से पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया था। और पुलिस वालों के हाथ में चक्कू भी था, जिस चक्कू में खून लगा हुआ था। तो ऐसा आरोप आया उनके ऊपर कि यहाँ पे उनके कबूली वाला ने उस इंसान को चक्कू से मार दिया था। अब इसके कारण जो कबूली वाला है उनको शायद यहाँ पे, अब कबूली वाला खड़े होते हैं रोड पे, और मिनी मिनी भी तुरंत वहाँ पे बाहर आती है अपने बालकनी में से, जहाँ पे बरामदा बोला गया यहाँ पे बरामदा, तो वहाँ से अपने बालकनी में से खड़े होकर देखती है। और देखती है कि कबूली वाला के पास इस समय बैग नहीं होता है, ठीक है, वो बिना बैग के होता है। अब मिनी क्वेश्चन करती है, अब मिनी क्या हर बार क्वेश्चन करती है कि क्या बैग में क्या रखा है, एलिफेंट कि नहीं, बट उनके पास बैग ही नहीं होता है। तो मिनी सीधा क्वेश्चन करती है कि क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो, ठीक है, अपने फादर इन लॉ के घर पे जा रहे होते हैं। उस समय जो कबूली वाला होते हैं उनके फेस पे स्माइल सा आ जाता है, और वो अपना हाथ ऊपर करते हैं और वहाँ पे हथकड़ी लगा होता है। वो बोलते हैं कि ये हथकड़ी लगा है, अगर ये हथकड़ी नहीं होता तो मैं ज़रूर अपने ये फादर इन लॉ को मैं हाथों से मारता, ठीक है। वहाँ पे वो जेल जा रहे थे एज अ फादर इन लॉ के घर पे, यहाँ पे जैसे कि फादर इन लॉ को जेल का माइनिंग दिया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक वुमेन को जब जाना होता है फादर इन लॉ के घर पे, तो वहाँ पे उनका ध्यान वगैरह सब कुछ रखा जाता है, बट एट नो एक्सपेंस, उनकी कोई भी वहाँ पे वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। ऐसा इस स्टोरी में बताया गया है, भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे जो रहमान होते हैं उनको कुछ साल का जेल मिलता है, और वो जेल जाते हैं, काफ़ी दिन बीत चुके होते हैं और काफ़ी साल बीत चुके थे, उनको कुछ साल का जेल हुआ होता है। इन दौरान के अंदर मिनी एक ग्रोन अप, एक एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होती है। मिनी एक अभी बड़ी सी लड़की हो चुकी थी जिनका कि शादी होने वाला होता है। और यहाँ पे बताया गया है इस चैप्टर में कि मिनी का शादी जो है ऑटम सीजन के अंदर होता है, जो कि रेनी सीजन के बाद आता है ऑटम सीजन, और उस समय दुर्गा पूजा के भी वहाँ पे जो शोर धूमधाम थे। अब यहाँ पे मिनी की शादी हो रही होती है, सब वहाँ पे जो मिनी का घर है वहाँ पे सब सेलिब्रेशन चालू होता है, डीजे सब जो भी यहाँ पे बैंड वगैरह, ठीक है, उनके घर एकदम लाइटिंग वगैरह से सब सजी होती है, उनके वहाँ पे सब रिलेटिव्स आए होते हैं। तो उसी समय उनके पापा जो होते हैं वो अपने स्टडी टेबल के पास वहाँ पे सब बुक्स लेके देख रहे होते हैं, जब वहाँ पे उनके सामने एक इंसान आके खड़ा हो जाता है। जो इंसान आके खड़ा होता है वो रहता है कबूली वाला ही होता है, और वो औधर के सामने आके खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही औधर उनको देखते हैं पहले तो वो नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस कबूली वाला के पास ना ही कोई बैग होता है, और जो कबूली वाला के बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं वो भी उसने काट रखे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पहचान पाते हैं औधर। पर जैसे ही वहाँ पे कबूली वाला जो होता है, ठीक है, रहमान कबूली वाला जो होता है वो जैसे एक स्माइल देता है, तुरंत ही यहाँ पे औधर उनको पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो कबूली वाला है, ठीक है। अभी जैसे उसको देखते हैं पहचान जाते हैं कि ये कबूली वाला था, रहमान है। तो यहाँ पे औधर बड़े ही चिंता में हो जाते हैं यार, कि मतलब ये कौन आ गया, ठीक है, एक प्रिजनर, एक कितनी स्पेशल ओकेजन पे मेरी बेटी की शादी हो रही है और यहाँ पे एक प्रिजनर आके खड़ा हुआ है, ठीक है, एक वो मर्डरर आके खड़ा हुआ है जिसने कि चाकू से हमला किया था, ये तो बड़ा ही मतलब अशुभ हो गया। यहाँ पे ऐसा सब सोच रहे होते हैं, इतने में यहाँ पे कबूली वाला बोलता है कि क्या आप कि क्या मैं मिनी से मिल सकता हूँ, आपकी बेटी मिनी से मिल सकता हूँ, यहाँ पे कबूली वाला ऐसा बोलता है। और ऑथर उस पर रिप्लाई करते हैं कि नहीं, अभी यहाँ पे स्पेशल ओकेज़न चल रहा है, तो हाल में सब बिजी हैं, आप बाद में आइएगा, अभी मिनी भी अपने अटायर्स में तैयार हो रही है, ठीक है, मिनी भी बहुत ज़्यादा बिजी है, तो आप अभी नहीं बाद में आइएगा, तो मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा। अभी ये रिप्लाई के बाद जो कबूली वाला होता है रहमान, वो जाने लगता है और कुछ दूरी जाता है, फिर से वो रुक जाता है और रुक के पीछे मुड़ता है, और जैसे औधर दिखते हैं तो वो कबूली वाला वापस से औधर के पास आ रहा होता है। फिर वो क्या करता है, अपने अपने पास जेब में से एक पोटली निकालता है जिसके अंदर बहुत सारे आलमंड्स होते हैं और रेजिन्स, दैट मीन्स ड्राइड ग्रेप्स होते हैं, ठीक है, आलमंड्स और रेजिन्स होते हैं उस पोटली के अंदर, और दे देता है उसे ऑर्डर को, बोलता है कि ये लो, ये इसे मिनी को दे देना, ठीक है, बोलना कि कबूली वाला आया था और उसने तुम्हें दिया, क्योंकि यहाँ पे जो कबूली वाला है उसके दिमाग में यही थिंकिंग होती है कि मिनी विल स्टिल बी ए स्मॉल किड, ठीक है, उसके दिमाग में ऐसा थिंकिंग होता है कि मिनी बच्ची होगी, तो इसीलिए फिर से वो उसे देता है। और फिर यहाँ पे जो ऑथर होते हैं उसके जो यहाँ पे जैसे वो पोटली देता है उसको पैसे देने लगते हैं, यहाँ पे कबूली वाला को वो पैसे देते हैं, बट यहाँ पे कबूली वाला अब क्या रिप्लाई करता है कि यार ये पैसे वैसे मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे जो मैं इनको गिफ्ट्स ऑफर करता हूँ मिनी को, ये इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरा कोई प्रॉफिट हो, मैं इसलिए ऑफर करता हूँ क्योंकि मिनी की तरह ही मेरी भी एक छोटी सी लड़की है,
जिसकी वजह से जब जब मैं मिनी को देखता हूँ तो मुझे मेरी छोटी लड़की की याद आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मेरी मिनी से फ्रेंडशिप है। ये मैं कोई प्रॉफिट के लिए यहाँ पे मिनी से बात वगैरह नहीं करता हूँ या फिर उन्हें ये सब जो ऑफर्स हैं वो देता हूँ। और जैसे ये बात बोलते हैं और यहाँ पे कबूली वाला अपने बैग में से एक पेपर निकालते हैं, जिस पेपर के अंदर उनकी डॉटर का यानी कि जो कबूली वाला की जो बेटी होती है, ठीक है, उनकी कबूली वाला के बेटी के हाथों के दोनों हाथों के स्टैम्प होते हैं, ना कि वो कोई ड्रॉ नहीं किए गए होते हैं या फिर कोई पेन वगैरह से नहीं होते हैं। उनकी डॉटर खुद से ही वो जो उनकी लड़की होती है कबूली वाला की, उनके हाथों इंक के जो हाथ होता है उनका इंक वाला हाथ होता है और उस पेपर में दोनों हाथों का स्टैम्प होता है। और वो पेपर को, ठीक है, इतने अच्छे तरीके से कबूली वाला ने रखा होता है। और जब जब वो पेपर को देखते हैं तो उनकी बेटी को उनको याद आती है। और ये पेपर कबूली वाला औधर को दिखाते हैं और औधर जैसे ही ये देखते हैं औधर के आंखों में आंसू भर आता है। और औधर सोचते हैं कि यार ठीक है, पहले ये कबूली वाला तो फ्रूट सेलर है, ड्राई फ्रूट सेलर है और मैं भी एक इंसान हूँ, बट उसके पहले हम दोनों एक बाप है, ठीक है, हम दोनों एक फादर है। तो यहाँ पे जो औधर होते हैं वो कबूली वाला के इंटेंशन समझते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं और तुरंत ही अपनी छोटी बेटी मिनी को बुलाते हैं वहाँ घर में से। वहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि मिनी बिजी है, बट स्टिल वो ट्राई करते हैं और मिनी को वहाँ पे बुलाते हैं। मिनी वहाँ पे आती है, जब मिनी देखती है कबूली वाला रहमान को तो मिनी उनको पहचान नहीं पाती है। बट जैसे ही जो रहमान कबूली वाला होते हैं एक मिनी से क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम अपने फादर इन लॉ के घर पे जा रही हो, जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं तो मिनी जो होती है वो उनकी भी आंखों में आंसू आ जाता है और वो अपने पेरेंट्स के पास एकदम जाके खड़ी हो जाती है अपने सर नीचे करके और तुरंत ही वो पहचान जाती है कि हाँ ये कबूली वाला है, ठीक है। कोई मिनी जो है आंखों में आंसू आ जाता है, उनसे कुछ आगे बात नहीं कर पाती है, बट वो एक दूसरे को पहचानते हैं। फिर जो मिनी के पापा होते हैं, काफ़ी जो फेस्टिविटीज़ यानी कि और भी इवेंट्स होने होते हैं शादी के अंदर, ठीक है, डीजे आने होते हैं, बैंड्स आने होते हैं, लाइटिंग्स वगैरह घर का कराना होता है, बट जो मिनी के पापा हैं वो उनकी फीलिंग्स को समझते हैं और वो चाहते हैं कि कबूली वाला भी जाए और अपनी बेटी से मिले। और वो उनको बताते हैं कि तुम्हारी भी बेटी अब बड़ी हो चुकी होगी, तुम्हें भी मैरिज वगैरह कराना होगा, जाके तुम भी अपनी बेटी से, डॉटर से मिलो। औधर को एक दया सी आती है और यहाँ पे औधर जो होते हैं कुछ करंसी, ठीक है, कुछ पैसे वहाँ पे निकाल के देते हैं कबूली वाला को। और कबूली वाला को बोलते हैं कि जाओ, तुम्हारी भी औधर बड़ी, तुम्हारी भी डॉटर जो है वो बड़ी हो चुकी होंगी, जाओ तुम भी उनसे मिल लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से यानी कि जो ऑथर ने पैसे दिए कबूली वाला को, उसकी वजह से ऑथर को दो तीन चीज़ों में कटापा करना पड़ा, ठीक है, काटना पड़ा, जैसे कि उन्होंने लाइटिंग्स वगैरह नहीं लगाए, बैंड्स वगैरह नहीं बुलाए और उसके जो पैसे होते हैं वो दिया होता है कबूली वाला को उनके डॉटर से मिलने के लिए। और यही भी स्टोरी का द एंडिंग होता है। काफ़ी अच्छा स्टोरी था। और अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस शेयर करना। मैंने इस वीडियो को काफ़ी डिटेल में समझाया तुम्हें और सब कुछ कवर कर लिया है। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।